फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव कुकिंग स्टोरीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गणपति बप्पा के लिए चॉकलेट मोदक। तो मैं ओरियो बिस्किट से बनाऊंगी, जो बहुत ही कम समय में और बहुत आसान तरीके से बनकर झटपट तैयार हो जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेंगे ओरियो मोदक बनाने में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ये 3 छोटे वाले जो ओरियो बिस्किट रहते हैं, चॉकलेट ओरियो बिस्किट लेना है आपको तो मैंने वो ले लिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ये कोकोनट का जो ड्राई कोकोनट आता है ना वो लिया है, उसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और थोड़ी सी मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे दूध, ताकि हम जो बिस्किट का बाइंडिंग करेंगे उसको हम अच्छे से मिल्क में ही बाइंडिंग करेंगे उसकी। और यहाँ पर अपना मैंने ये मोदक का साँचा लिया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे ओरियो बिस्किट्स की जो क्रीम थी अंदर की वो निकाल ली है और ये मैंने यहाँ पर रख ली है। इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी अच्छे से यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें सारे अपने बिस्किट्स डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैं इसमें सारे बिस्किट्स डाल दी। उसका एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर बनाना है, तो सबसे पहले इसको पाउडर बना लेते हैं इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से ये ओरियो का जो पाउडर था बिस्किट था उसका अच्छे से एक देखिए एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना है, चम्मच से डालिएगा, नहीं तो आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो एकदम ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और दूध डालने के बाद इसको क्या करेंगे, हम हाथ से अच्छे से आटे जैसा मार लेंगे। तो चलिए इसको मारते हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने इतना दूध डाल दिया, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसका डो बिल्कुल आटे की तरह हमको तैयार करना है, तो चलिए इसका एक डो तैयार करते हैं बढ़िया सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना इस तरीके से आटे जैसा डो तैयार हो जाएगा। ना ज़्यादा सख्त रखना है, ना ज़्यादा मुलायम करना है। और जो हमारे बीच की क्रीम बची थी ना, उसमें हमने क्या किया है, उसमें जो हमारा ड्राई कोकोनट था ना, उसको हमने ऐसे करके इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट को मिक्स करके छोटी छोटी गोलियाँ बना के रख ली हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको अंदर फिलिंग, इसके अंदर करेंगे हम फिलिंग मोदक की, मोदक जो बनाएंगे उसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो सबसे और यहाँ पर हमने लिया है अपना ऑयल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजी वे में मिल जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे बनाना है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने मोदक में मोल्ड जो था मोदक का, उसमें हम चारों तरफ से अपना जो ओरियो बिस्किट का जो मैंने वो बनाया था आटे टाइप की पेटी वो मैंने लगा दी। अब क्या करेंगे, हम एक लेंगे यहाँ पर अपना ये वाला रोल और इसको हाथ में लेके इसको बीच में ऐसे दबाएंगे। और देखिए इस तरीके से इसको दबाएंगे, सॉरी इस तरीके से इसको दबाएंगे और इसको करेंगे अच्छे से फिक्स। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ऐसे सेट। अभी आपको ये लग रहा है खाली, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना ओरियो बिस्किट का और इसमें पिट्टी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ओरियो बिस्किट के बढ़िया से मोदक बनके तैयार होंगे। तो चलिए इसी तरीके से सारे मोदक बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बढ़िया से यम्मी से ओरियो मोदक बनके तैयार हैं। और ये बैठे हैं हमारे प्यारे से क्यूट से गन्नू बप्पा, जो खाएंगे इस मोदक को। तो ये देखिए बना दिए हैं मैंने, बहुत टेस्टी हैं और बहुत झटपट बनकर तैयार होने वाले हैं। आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं अपने गन्नू पप्पा का भोग लगाने के लिए, गणपति पप्पा का भोग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी वे में मिल जाए। तो एक बार हम सभी मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए। सो टाटा बाय बाय।